हेलो एंड वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी आज का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री में बोर्स एटॉमिक मॉडल ये केमिस्ट्री ही नहीं फिज़िक्स में भी बहुत जगह काम आता है और ये मॉडल साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडल माना गया है तो आज हम क्लास नाइन का केमिस्ट्री का बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं अगर आप क्लास नाइन के नहीं हैं तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए तो आइए स्टार्ट करते हैं बोर के पॉस्टुलेट से बोर ने क्या क्या पॉस्टुलेट दिए थे तो फर्स्ट पॉस्टुलेट जो था बोर का वो बोलता है इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्व अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो एटम में बीच का न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ईच ऑर्बिट और शेल हैज फिक्स्ड एनर्जी एंड दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर नोन एज ऑर्बिट और शेल्स और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मतलब जो एक ऑर्बिट होता है उसके पास उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है मतलब वो क्वांटाइज्ड होता है इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी हर ऑर्बिट के पास अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी इसी को हम क्या बोलते हैं क्वांटाइजेशन अब नेक्स्ट पॉस्टुलेट है कि द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर, लाइक एन इज इक्वल्स टू वन टू थ्री सो ऑन नोन एज द क्वांटम नंबर दिस रेंज ऑफ क्वांटम नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस इनसाइड विद एन इज इक्वल्स टू वन having with lowest energy level the orbits n is equals to 1 2 3 4 are assigned as k l m n shells when an electron attains the lowest energy level it is said to be in the ground state ab iska matlab kya hua ki हर एक, एक एनर्जी लेवल जो है वो एक इंटीजर के फॉर्म में होगा मतलब एक एटम के पास या तो एक ऑर्बिट uh, होगी या दो ऑर्बिट होगी या तीन ऑर्बिट होगी हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि किसी भी एटम के पास में आधी ऑर्बिट है या वन बाय फोर ऑर्बिट है या थ्री पॉइंट फाइव ऑर्बिट है हमेशा एक जो ऑर्बिट का नंबर होता है वो एन इज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर मतलब एक इंटीजर के फॉर्म में ही होता है और इस चीज को हम क्या बोलते हैं क्वांटम नंबर ओके और ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वन टू थ्री फोर तो इनको हम अल्फाबेटिकली वन को के टू को एल थ्री को एम और फोर को एन भी बोलते हैं और जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल में होगा या फर्स्ट शेल में होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं इट इज इन द ग्राउंड स्टेट जैसे हम घरों में वन टू थ्री फोर फ्लोर्स पे रहते हैं तो अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो हम बोलते हैं कि हम ग्राउंड लेवल में हैं या ग्राउंड स्टेट पे हैं तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी ग्राउंड स्टेट पे होता है इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट अब लास्ट पॉस्टुलेट देखते हैं बोर का द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल बाई गेनिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी एंड एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्राम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल बाई लूजिंग एनर्जी मतलब जब भी हम कोई एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तब हम थोड़ी एनर्जी गेन करते हैं और फिर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी अगर ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पर जाएगा और वहीं अगर वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे आता है तो उसे कुछ एनर्जी एमिट आउट करनी पड़ेगी अभी तक के हमने जितने भी पॉस्टुलेट्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग बोर ने इस तरह का मॉडल कुछ सजेस्ट करा था जैसे कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है और उसके बाद में एन इक्वल्स टू वन एन इज ईक्ल्स टू टू और एन इज टू थ्री के नाम पे ऐसे ऑर्बिट्स बने हुए हैं जिनमें ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स है अब ये जो बोर का मॉडल था तो ये एक करेक्ट मॉडल नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे और इसीलिए जो बोर का मॉडल था वो फेल हो चुका था तो अब इसके पीछे क्या कारण है ये हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम मतलब किन किन वजहों से या किन किन कारणों से जो बोर का एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया तो सबसे पहला पॉइंट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेंड फ्रॉम लार्जर एटम्स मतलब लार्जर एटम्स का जो स्पेक्ट्रा था वो उसे समझा नहीं पाया या फिर हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लार्जर एटम मतलब क्या जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम और वो बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जितने भी साइंटिफिक मॉडल्स होते हैं उन सब में लिमिटेशंस होने के कारण वो फेल हो जाते हैं और बोर का भी यही लिमिटेशन था कि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को नहीं बता पाया वो सिर्फ़ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम पे ही सिक्टू रहा और इसीलिए बोर का जो मॉडल था वो बाकी इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन एप्लीकेबल नहीं हो पाया और इसीलिए वो फेल हो गया। अब हम देखते हैं बोर बरी रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट शेल्स। मतलब बोरबरी ने क्या स्कीम दी थी कि, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो अब इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल्स बाय अ स्कीम स्कीम मतलब ये जो फिनोमेना था कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ये बोर ने दिया था और इसीलिए उस स्कीम को बोरबरी स्कीम के नाम से जाना जाता है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एटम मतलब जिस तरह का अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का होता है एक एटम में उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम जैसे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं कॉन्फिगरेशन उसका मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूंट कितना है या किस टाइप का अरेन्जमेंट है तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन अब हम इसके स्कीम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्कीम फर्स्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेन्ज अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स में भरे होते हैं

कैन टेक ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने बात करी थी बोर्ड की पोशलेट्स में कि जो एन इज इक्वल्स टू वन होता है मतलब जो फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट होता है जो सबसे पास होता है न्यूक्लियस के उसको हम के शेल भी बोलते हैं तो उस के शेल में सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं अब थर्ड पॉइंट द आउटर मोस्ट शेल कैन कंटेन अप टू एट इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है वो मैक्सिमम एट इलेक्ट्रॉन्स तक के ऑक्यूपाई कर सकता है मतलब आठ इलेक्ट्रॉन्स उस लास्ट शेल में जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें जा सकते हैं फोर्थ पॉइंट फ्रॉम थर्ड शेल एम और एन इज इक्वल्स टू थ्री मतलब जैसे हमने बोर्ड पोस्टोलेट में पढ़ा था एन इज इक्वल्स टू थ्री मतलब थर्ड ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे उसको हम एम अल्फाबेटिकली नाम देंगे तो थर्ड शेल ऑनवर्ड्स द शेल बिकम्स बिगर मतलब जैसे जैसे एन इजिक्वल्स टू थ्री से ऑर्बिट बड़ा होते जाता है तो उसका जो साइज है जो शेल है वो भी बड़ा होते जाता है द थर्ड शेल कैन अकोमोडेट एज मैनी एज एटीन इलेक्ट्रॉन्स मतलब थर्ड शेल के बाद में एटीन इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करना एक एटम चालू कर देता है इन जनरल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन एनी शेल इज टू एन स्क्वा मतलब जिस भी शेल की हम बात कर रहे हैं उसका स्क्वायर इंटू टू दस द फर्स्ट ऑर्बिट एन इज इक्वल टू वन ऑल्सो नोन एज के शेल कैन कंटेन टू इन टू वन का स्क्वायर वन क्यों ले रहे हैं यहाँ पे हम क्योंकि हम यहाँ पे n इज ईक्वल्स टू वन के बारे में बात कर रहे हैं मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल तो इसमें हमारा वन क्या हो गया वन हमारा n हो गया और इसीलिए अगर हम उसे फार्मूले में डालें तो टू इन टू वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर इज वन इन टू टू इज इक्वल्स टू टू इसका मतलब हुआ कि सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स ही फर्स्ट शेल में आ सकते हैं अब हम अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पे एन हमारा टू हो जाएगा इसका मतलब हुआ टू इंटू टू स्क्वायर टू इंटू टू स्क्वायेर क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर और इन टू टू हो जाएगा एट इसका मतलब हुआ कि जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें एट इलेक्ट्रॉन्स तक के आ सकते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट बोर्स एटॉमिक मॉडल अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं Thank you so much for watching this video till the end. And also, like, share, and subscribe.